सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र जिनके इस आर्य विनय में हम सभी अनुशासित होने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें वंदन करता हूँ। उसी प्रकार का ये आर्य विनय श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य निर्वाण गामी स्वाख्यात जिसका शब्द शब्द अच्छी प्रकार से व्याख्या किया हुआ है ऐसे धम्म को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका ये संघ आर्य संघ जो निर्वाण गामी है जो हाथ जोड़ने योग्य जो घर बुलाने योग्य जो भोजन दान व दान देने योग्य है ऐसा अनुत्तर पुण्य भूमि को मैं ऐसे हमारे संघ को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मेरी उपज है जिनके कारण मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है उन्हें भी वंदन करता हूँ और अपने सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना देते हुए यहाँ उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद। मेरी जो जातक है निमी जातक है देखोगे तो मेरी जातक महाउमक जातक थी पर एक भंते जी ने मुझे पलटा दी बोले मैं नहीं बोलता आप बोलो तो मुझे जातक बोलनी पड़ रही है। निमी जातक बहुत ही फेमस जातक है बहुत ही मशहूर जातक है। अगर आपने सुनी भी नहीं होंगी तो कम से कम आपने नाम जरूर सुना होगा निमी जातक। अगर आपने निमी जातक ये नाम भी नहीं सुना है तो समझ जाओ आप भगवान के श्रावक संग कहलाने योग्य नहीं है। कुछ शब्द है जो इस आर्य शासन में अनुशासित होते हुए अर्थात भगवान की शासन में प्रवचन क्योंकि पढ़ना सुनना सबसे पहली सीढ़ी है। अगर आप प्रवचन नहीं सुनते होंगे बहुत शीलों का पालन करते होंगे तो मैं तो आपको धार्मिक नहीं कह सकता हूँ। आप बहुत शील पालन करते होंगे आटो के आटो शील पालन करते होंगे पर हफ्ते में कम से कम एक प्रवचन भी आप नहीं सुनते होंगे मैं आपको धार्मिक नहीं कह सकता। मेरी भाषा में आप धार्मिक है नहीं मेरी भाषा में इस बुद्ध शासन में बुद्ध धम्म संघ में आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि भगवान का संघ श्रावक संघ होता है बिना श्रवण के रह नहीं सकता है। क्योंकि बुद्ध शासन होने पर अगर आप भगवान के उपदेश नहीं सुने क्योंकि भगवान बुद्ध के शासन क्या है पर्यति पटिपति और पटिवेदन ये तीन अंग शासन होता है भगवान बुद्ध का और सबसे पहली शुरू होती है पर्यति से। पर्यति अर्थात सुनना भगवान ने भिन्न भिन्न रूप से जो प्रकाशित धर्म को जो प्रकाशित किया है भिन्न भिन्न रूप से उसे पर्यति कहते हैं। और अगर आपको पता ही नहीं कि भगवान ने किस किस तरीके से धर्मों को बताया है और मेरे लिए क्या सुटेबल है बस आपको बता दिया है कि शील अच्छे होते हैं शीलों से आपको सुगति प्राप्त होती है और शील को पालन कर रहे हैं और शील पालन कर रहे हैं पर कभी सुन नहीं रहे धर्म को तो इसका मतलब आप शील अच्छे प्रकार से पालन कर ही नहीं रहे होंगे क्योंकि शील भी टूटते हैं खंडित होते हैं छिद्रित होते हैं। कितनी पटी संहिता मग में कितना प्रकार और विशुद्धि मग में ही बताया गया है कि खंडित शील होते हैं छिद्रित शील होते हैं विच्छेदित शील होते हैं भिन्न भिन्न रूप से शील टूटते हैं फिर शील को जोड़ते कैसे फिर शील को परिशुद्ध कैसे करते हैं फिर शीलों समाधि की ओर कैसे बढ़ते हैं ये कई सारी बातें आपको सुनने से पता चलती है। तो कोई शील पालन कर रहा होगा पर सुन नहीं रहा होगा तो मुझे पूरी गारंटी है कि उसके खंडित शील है परिशुद्ध शील नहीं है। एक बौद्ध उपासक होने के नाते बौद्ध उपासक तो बाद का शब्द है बहुत आधुनिक शब्द है पर भगवान के समय से जो शब्द चलता आ रहा है श्रावक संघ श्रवण करने वाला दान दान तो दूसरे धर्मों में भी होता है कोई नई बात नहीं है शील तो दूसरे धर्मों में होता है पर क्या गारंटी है कि जो आप जो शील पालन कर रहे हैं वो बुद्धानुकूल बुद्ध द्वारा बताए गए अच्छी प्रकार से आर्य विनय अनुकूल या आर्य विनय युक्त जीवन जी रहे क्या गारंटी है कैसी गारंटी है कैसे पता चलेगा वो तभी पता चलेगा जब आप भगवान की उपदेश समय समय पर सुन रहे हो और कम से कम एक हफ्ते में एक बार और वो भी कम से कम बोल रहा हो। अगर एक हफ्ते में एक बार भी आपके पास आज ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब पे अवेलेबल लेक्चर्स है अगर फिर भी नहीं सुन रहे तो आप प्रमादी जीवन जी रहे हैं। वो भी यहाँ पे उपासक ये बकायदा ये जो टोक वाला वचन नहीं है अगर एक हफ्ते में एक भी प्रवचन अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आज आपके पास यूट्यूब है यूट्यूब यूट्यूब में इतने सारे प्रवचन उपलब्ध है अगर आप नहीं सुन रहे तो इसका मतलब आप प्रमादमय जीवन जी रहे हैं और जो प्रमादमय जीवन जी रहा है वो कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। उसे सुगति के बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए वो कितना भी दान क्यों ना करे कितना भी शील पालन क्यों ना करें उसकी शील उसके दान उसको सुगति में उतना कारण नहीं हो सकती है क्योंकि आज तो कलो भटकेगा नहीं तो उसमें अहंकार उत्पन्न होगा।
इसलिए हफ्ते में एक बार तो भी सुनना चाहिए। तो ऐसे कुछ शब्द है इस बुद्ध शासन में जो आपने सुने होने चाहिए, उसमें से निमी निमी जातक ये शब्द आपने कभी ना कभी सुना होना चाहिए, और अगर नहीं सुना है तो आप धर्म ठीक प्रकार से धर्म का श्रवण नहीं कर रहे हैं। तो आज निमी जातक पर मैं बोलने जा रहा हूँ। बड़े अद्भुत जातक है, बड़ी सुंदर जातक है। एक तो निमी राजा इतना सुंदर था क्या बताएं, उसके कार्यकाल में इतने लोग सुगति को प्राप्त हुई, मामूली बात नहीं है। किसी कार्यकाल में इतने लोग सुगति को प्राप्त हो जाना, जब निमी ने जब अपने समय में जब राज किया तब नरक में कई सारे लोग कम हो गए थे और देवलोक में देवलोक भर गया था, रचाडच भर गया था। कोई मामूली बात नहीं कि किसी एक व्यक्ति के कार्यकाल में इतने लोग धार्मिक हो जाना, इतने लोग सुगति को प्राप्त हो जाना। ऐसे राज्य ऐसे ऐसे राजा के कार्यकाल में जन्म लेना दुर्लभ है। वो निमि उन राजाओं में से एक था। उसने अपनी परंपरा का जरूर अंत किया होगा। निमि राजा जब पैदा हुआ तो अपनी परंपरा में वो आखिरी राजा था जो उपोषित पालन करने वाला था। इसके बाद किसी राजा ने उपोषित धारण नहीं किया उसकी परंपरा में। उसने अपनी परंपरा का अंत किया, पर फिर भी अंत करने के बाद भी उसने इतने राजाओं को धर्म, इतने लोगों को धर्म में स्थापित किया कि कई सारे लोग देवलोक में उत्पन्न हुए। भी कौन थे? तावन तीसा देवलोक में, जहाँ पे देवराज इंद्र वास करते हैं। और तावन तीसा देवलोक कौन था होता है? जहाँ पे 33 प्रकार के देवता लोग रहते हैं। ऐसे देवलोक में उत्पन्न होना, उस इंद्र के मंडली का हिस्सा होना, मतलब मामूली बात नहीं रहता है। इंद्र हमेशा जब भी जाता है देवराज चक्र कहा जाता है उसको, इंद्र को ही। तो इंद्र तो कॉमन नेम है हिंदू परंपरा में, हिंदू परंपरा द्वारा ये नाम फेमस हुआ है, पर उसे क्या कहा जाता है? देवराज चक्र, चक्र कहा जाता है उसको, वो भी देवराज चक्र। ऐसी देवराज चक्र के मंडली का हिस्सा था वो, कई सारे लोग उसके कार्यकाल में बने। तो उस निमि राजा की कथा मैं बताने जा रहा हूं, आशा करते हैं आप ध्यान से सुनेंगे। तो भगवान क्या थे? अब जातक जो होती है, जातक मतलब क्या होता है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है, इसलिए आज की संध्या का नाम रखा है जातक संध्या, कि रात भर आप इस खुले आसमान के नीचे भगवान के पूर्व जन्म के, क्योंकि बुद्ध कैसे हुए जो अपने पूर्व जन्म में असीम त्याग से असीम प्रज्ञा से पारमिता पूरे किए तब जाके, तो वो कैसे त्याग था कैसे पारमिता पूरे किए उससे प्रेरणा मिले, इसलिए इस उद्देश्य से हमने सोचा कि भगवान की वैशाख पूर्णिमा है और 29 तारीख को 7 दिन पूरे हो ही जाएंगे और 7 तागड़ा बुद्धिज्म में बहुत है, तो उसका विचार रखते हुए हमने क्या किया, आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया। और आज अष्टमी भी लागू हो गई है, आप जरा चंद्रमा को देखिए तो इतना सुंदर, अगर आपका किसी का ध्यान गया होगा तो पूर्णिमा समान आज चंद्रमा का प्रकाश है, देख लीजिए आप। अभी तो कम हो गया पर शायद से मेरा शुरू हो गया, इसलिए तो लग रहा होगा, अरे नहीं शिवली बंधे दे, शिवली बंधे का प्रकाश जाने दो, हम अपना प्रकाश कम कर लेते हैं। पर थोड़ी देर पहले इतने सभी लोग बंधे दे रहे थे, पर इतना प्यारा, और इतना प्यारा प्रकाश था, इतना प्यारा ग्लो करा था, ये क्या लगा था कि पूनम का चांद है। तो उसी संध्या में आज, क्योंकि भगवान को ज्ञान प्राप्ति भी खुले आसमान के नीचे हुई, जन्म भी खुले आसमान के नीचे हुआ और महापरिनिर्वाण भी खुले आसमान के नीचे हुआ, इसलिए इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमने जातक संध्या नाम दिया इस आज के कार्यक्रम का। और शायद से नागपुर में ये पहला कार्यक्रम है कि जिसमें रात भर प्रवचन हो रहे हैं, रात भर के परिप्राण तो होते हैं और इसमें रात भर सिर्फ जाता के, तो नागपुर का ये पहला प्रोग्राम है और उसमें आप सब लोगों का ये साथ देख बड़ा अच्छा लगा। तो उसी जातक संध्या में एक जातक ऐसी है कि भगवान एक समय थे कि मिथिला नगर में विचरण कर रहे थे, मिथिला नगरी में, जो कि उस समय वहां के मखादेव करके आश्रम था, उस आश्रम में वास कर रहे थे। आम्रवन था वहां पे, आम्रवन मतलब आमों का पेड़, तो उस आम के पेड़ में टहल रहे थे। भगवान के पीछे पूरा विशाल भिक्खु संघ था, भगवान तो नरसिंह थे है ना, गजों में गजराज थे, तो उस प्रकार से लोगों से घिरे होते थे, क्या बताएं। तो भगवान जब ऐसे विचरण कर रहे थे, टहल रहे थे, तो अचानक से भगवान के चेहरे पे स्मित आ गया, एक मुस्कान आ गई। अभी हंसने के सारे तरीके होते हैं, कुछ कुछ लोग शरीर हिला के हंसते हैं, कुछ लोग चेहरे पे हाव भाव दिखा के हंसते हैं, पर भगवान जब हंसते तो हंसते नहीं है, बड़ा प्यारा शब्द इस्तेमाल होता है, कहते हैं स्मित। क्या कहते हैं? स्मित, एक छोटी सी मुस्कान होती है भगवान के चेहरे पे। तो भगवान ने टहल टहल उस आम्रवन में, मखादेव का आश्रम था मिथिला नगरी के, उस आम्रवन में भगवान ने एक छोटी सी मुस्कान दे दी। अब भगवान अकारण कभी नहीं मुस्काते, और जब भगवान मुस्काते तो उसके पीछे बड़ा गंभीर कारण होता है, क्योंकि अरंत है ना, अरंत है,
निर्वाण प्राप्त कर चुके, इतने लंबे समय से पारमिताओं में कितने दुख कितने सुख देख लिए हैं, अरे कितने ही बार चक्रवर्ती सम्राट बन के उत्पन्न हुए, कितने ही बार देवराज इंद्र बन के उत्पन्न हुए, तो बड़े बड़े सुख देखे हैं। इस आम्रवन में, आम के बगीचे में टहलते हुए छोटी सी मुस्कान भगवान के चेहरे पे आई, तो आनंद के मन में तो प्रश्न उत्पन्न होना ही है ना कि भगवान आपकी मुस्कान का कारण क्या है। होता है ना, जब आपस में कोई बात लोग हंस रहे होते हैं, हमें जानने की इच्छा होती है, अरे ये तो भगवान का स्मित है, भगवान की मुस्कान है, और वो भी आम्रवन में टहलते हुए, और ऐसा व्यक्ति जिसने कईयों बार इंद्रपद प्राप्त किया है, इसने कईयों बार चक्रवर्ती सम्राट के पद को प्राप्त हुआ है, इसने कितने बुद्धों की सेवा की है, ऐसा व्यक्ति जब मुस्काता है तो प्रश्न तो उत्पन्न होगा कि भगवान आनंद के मन में, और भगवान पूछता भी है कि भगवान क्या कारण है, क्या कारण है कि आपके चेहरे पे स्मित आ गया। तब भगवान बताते हैं कि आनंद, आज से कई लंबे समय पहले इसी मिथिला नगरी में, जब इसका नाम विदेही राष्ट्र था, इसी विदेही राष्ट्र में, इसी मिथिला नगरी में एक मखादेव करके राजा था। तो मखादेव राजा कोई नहीं, मैं ही था। तो मखादेव राजा होते हुए उस समय मनुष्य की जो आयु बहुत लंबी थी, तो उस समय मखादेव राजा होते हुए मैंने 84,000, अब 84,000 मतलब कितना होता है इंग्लिश में, हाँ 84 ना, 84,000 अपनी बाल्य क्रीड़ा मतलब जो युवा अवस्था होती है उस युवा अवस्था का जीवा, क्योंकि उस समय की मनुष्य की आयु लंबी होती थी, इसी कारण वजह से क्या उस समय लोगों की जो युवा अवस्था होती थी, वो युवा अवस्था कितना होती थी, 84,000 ईयर वो सिर्फ जवान रहते थे, कितने थाउजेंड, 84,000 वो जवान ही रहा है ना, उतने लंबे समय तक अपनी उन्होंने युवा अवस्था जिया, क्रीड़ा अवस्था है ना, मतलब शादी होने तक के, फिर उसके बाद 84,000 उपराजा के रूप में जीवन जिया, फिर 84,000 राज्य किया, राजा के रूप में 84,000 साल मैंने राजा किया, और जब राजा होते हुए मैंने अपना जीवन यापन किया, तो उस समय मैं अपने नाई को, क्योंकि धार्मिक लोग होते थे इतनी, जब याद रखना जब मनुष्य की आयु लंबी होती है तो उस समय के लोग बड़े धार्मिक होते हैं, उस समय के लोगों में बड़ा धर्म बड़ा सुंदर प्रकार से होता है, क्योंकि उस समय रोग नहीं होते हैं, जब मनुष्य की आयु इतनी लंबी होती है 40,000 साल, 50,000 साल, 80,000 साल, तो जब मनुष्य की आयु इतनी लंबी होती है तो रोग नहीं होते हैं, उस समय सिर्फ भूख होती है, और उस समय खाद्य पदार्थ बड़ा प्यारा होता है। तो इतना सुंदर जीवन जीने के पर उसने अपने एक नाई को बोला था कि जब मेरे सर पे तुम्हें सफेद बाल दिखे तब मुझे आके बता देना, नाई के बाद बोल दिया। और एक दिन ऐसे जब 84,000 साल राज्य किया, और जब एक बार उसके सर पे एक सफेद बाल दिखा, तो नाई ने वो बाल तोड़ के दिखाया, महाराज आपके सर पे सफेद बाल आ गया है, क्या बताऊँ आपको, इतना डर जाता है सिर्फ एक सफेद बाल देख लगता है कि जैसे कि मौत ही मेरे सर पे आ गई है, जैसे कि मौत ही मेरे सर पे मंडरा रही है, ऐसा भाव उसके मन में आ जाता है, ऐसा लगता है कि कोई तलवार एक बारीक धागे से उसके क्या कर दी है, सर पे लटका दिए, इतना वो डर जाता है, और कहता है कि नहीं, अभी संसार में रहा नहीं जा सकता, कि इतना लंबा मैंने जीवन में सुख भोग ही लिया है, क्यों लग रहा है उसे कि मैंने बहुत लंबा सुख भोगा, ऐसा प्रश्न सभी के जीवन में उत्पन्न होना चाहिए कि मैंने बहुत सुख भोग लिया है, व्यक्ति सुख से डरता नहीं है, व्यक्ति सुख में आनंद बनाता है, क्या बताए अगर हमारे अकाउंट में ज्यादा पैसा हो गया ना तो डर लगता है, अभी नया आईफोन आ गया है तो डर लगता है, अभी हाथ में आईपैड है डर लगता है, ये बहुत सुख है। जब हमारे एक भंडे जी से हम डिस्कशन कर रहे थे तो बोले थे शिवली मुझे बहुत डर लगता है, जब बहुत सुख आ जाए तो, जब बहुत सारी चीजें मिल जाए तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि तो पुण्य का ही फल है ना, मुझे जो मिल रहा है, हमें भले ही जो मिथ्या दृष्टि में पड़े होते हैं, जो लौकिक संसार को देखते हैं, वो लोग बोलेंगे मेरी मेहनत की कमाई है, पर मैंने ऐसे भी लोग देखे जो जीवन भर मेहनत करते हैं पर फिर भी उतना कमा नहीं पाते, और ऐसे भी लोग देखे थोड़ी सी मेहनत करने पर भी बहुत कमा लेते हैं, अरे ऑटो और रिक्शे वाले में ही देख लो, ज्यादा मेहनत रिक्शे वाले पे होती है फिर भी कम पैसा मिलता है, और मेहनत बहुत कम होती है ऑटो वाले में, ज्यादा ज्यादा पैसा कमाता है, ऐसे कई सारे उबेर वाले ही देख लो कि बहुत कमा रहे हैं, और कुछ कुछ उबेर वाले कुछ नहीं कमा रहे हैं, तो मेहनत से पैसा नहीं आता है, पुण्य से आपको धन प्राप्त होता है, पुण्य से आपको ऐशो आराम प्राप्त होता है। तो बंदे जी मुझे कह रहे थे कि शिवली मुझे तो बहुत डर लगता है, पुण्य धीरे धीरे फल दे तो अच्छा है,
और पुण्य जल्दी जल्दी फल दे रहे हैं, और बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत धन मिल रहा है, ऐशो आराम का जीवन मिल रहा है। तो समझ जाओ पुण्य खत्म हो रहे हैं, अकाउंट धधड़ क्या हो रहा है, पुण्य का अकाउंट खड़ा, डरना चाहिए। कई सारे चक्रवर्ती राजाओं के पत्नियों ने से डराया है, महाराज इतना सुख भोग रहे हो, सावधान हो जाओ, तुम्हारा पुण्य खाली हो रहा है। अरे विशाखा के ससुर ने, विशाखा ने अपने ससुर को क्या बोली थी, अरे मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं, इस जन्म में तो कोई पुण्य किया नहीं, जो भी अच्छा अच्छा खा रहे हैं पहले के जन्म के पुण्य के कारण खा रहे हैं। तो डरना चाहिए, अगर कोई चीज अच्छी प्राप्त हो रही है, अच्छा मोबाइल या अच्छा गाड़ी या अच्छा घर या सुख प्राप्त हो रहा है, तो इंसान ने डरना चाहिए, भयभीत होना चाहिए। तो उसी प्रकार निमी जो मखादेव राजा है, मखादेव राजा डर गया, इतना लंबा सुख बह गया, अरे 84,000 युवावस्था में मस्त एंजॉय किया मैंने। आज अगर आप बोल हम इतना दान क्यों करते हैं, अगर मुझे कोई मेरे सिक्योरिटी अगर पूछे ना कि मैं इतना दान क्यों करता हूँ, मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि पैसा बहुत आ रहा है, डर लगता है। कोई मुझे बोले ना कि इतना दान क्यों करते हो बंदी जी आप, तो मेरा यही रीजन रहेगा, सिर्फ 3 रीजन बताऊंगा मैं, कि मेरे पास पैसा होता है, डर लगता है, डर लगता है कि पुण्य क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे, चलो दान कर लो, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये कि मुझे सब कुछ मिल रहा है, अगले जन्म में फिर मिले, इस जन्म में तो मिल गया, अगले जन्म में क्या होगा, क्योंकि मैं देखा है कई सारे लोगों की स्थितियां देखी कि उनको नहीं मिल रहा है। आज पहनने के लिए इतना महंगा चीवर है, पहनने के लिए दो दो तीन तीन चप्पलें हैं, एक साथ दो दो तीन दिन लोग पैसे भेजते हैं अकाउंट में, और अच्छा 1,000 रुपये भेजते हैं कि बनते जी चप्पल ले लो, महंगे महंगे चप्पल भेजो, 1 रुपये का तो बोलते नहीं बनते जी, आप कहाँ पे जाओ, कौन दुकान में जाओ, स्केटस में जाओ, उस पास ने बोली कि बनते जी स्केटस जाके देख के आओ। तो लगता है कि इतना सब कुछ मिल रहा है, आते मिल रहा है, और मैं ऐसे भी देखता हूँ भिक्षु जिनको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है जिनको, तो लगता है कि अरे पुण्य इस्तेमाल हो रहे हैं, अगले जन्म में फिर मिले। तो दूसरा कारण ये है दान देने का, कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत दानी हूं, बहुत दिलदार है, नहीं, खुद का स्वार्थ है उसमें। दूसरा कारण दान देने का ये है, और तीसरा कारण ये है कि मुझे मिला है, मुझे सब आसानी से कुछ पुण्य होंगे, या चाहे मेरा बोलने का कौशल्य होगा, या दिखने में अच्छा हूं, दिखने में तो अच्छा हूं ही मैं, तो लगता है कि नहीं दिखने में अच्छा हो तो लोगों का आकर्षित हो जाता होगा, है ना, यंग हूं, चलो मुझे आसानी से मिल जाता है, तो मैंने इसे बाकियों तक भी पहुंचाना चाहिए, इसलिए मैं संगदान अदा करता हूँ। आप देखिए 3 महीने में इतने बार हम संगदान कर चुके, चाहे बौद्ध गया मैं भी हूं, क्योंकि मुझे मिल रहा है और मैं संघ का हिस्सा हूं, तो बाकियों तक भी जाना चाहिए, क्योंकि मैं संघ का परिवार हूं, कि मुझे पता है कई सारे लोग चढ़ा देख के दान देते हैं, कई सारे लोग रंग देख के दान देते हैं, ये सही बात है। और महाराष्ट्र के कई सारे भिक्खु साफ साफ बोलते हैं कि महाराष्ट्र के उपासक चमड़ी देख के दान देते हैं, ये बात सही है। आप अभी कोई फॉरेन का भिक्षु आने दो बरा गोल चमड़ी का, ये सही हकीकत है ये बात। तो लगता है कि हमें मिल रहा है, तो जिनको नहीं मिल रहा उन तक देने का हम पूरा प्रयास करते हैं, कि हमें सब मिल रहा है उनको भी सब मिले, इसी चेतना से हमें करते हैं संगदान करते हैं, क्योंकि हमने भी गरीबी देखी है, वो सब देख कर उनको पता है कि इन चीज का क्या महत्व है। ये 3 कारणों से मैं दान देता हूं, और कोई रीजन नहीं मेरा दान देने का। तो इसलिए तो महादेव भी कहता है कि नहीं, इतना जीवन जी लिया भाई, इतना इतना ऐशो आराम कर लिया। अरे आपको पता है क्या, कभी कभार मैं बहुत ज्यादा खा लेता हूँ, कभी कभार गुपचुप बहुत महंगे महंगे 250-300 रुपये गुपचुप खा लूंगा, तो फिर ये भी हमें मोटिवेट करता है, हमारे खुद के कर्म हमें मोटिवेट करते हैं। कभी कभार 300-300, एक बार 1,000-1,000 रुपये की भी गुपचुप खाए हैं मैंने, खिलाए भी है। तो जब दान करते हो कभी कभार लगता है कि नहीं, यार ज्यादा दान हो रहा है, अपने रख देता हूँ, तो बोलते हैं नहीं, जब खाते वक्त खुद का खाते वक्त नहीं सोचता तो देते वक्त क्यों सोचू, खुद का मोटिवेट खुद करो, तभी तो ना, तभी तो हम खुद की मानसिकता ऐसे बनाने पड़ती है, तब जाके धर्म में उन्नति होती है। वरना मैं भी हला लू, मैं बड़ा दुष्ट इंसान हूं, बोलने में जाओ तो मुझसे कम कोई नहीं, पूरी 12 फुट टोनिंग आ जाती है। तो वही मखादेव का गुण था कि मखादेव ने भी सोच लिया कि इतना लंबा जीवन जिया, इतना लंबा ऐशो आराम किया है, और अभी हो गया, अभी नहीं, अभी समय आ गया है कि धर्म पालन करने का। इसलिए तुरंत अपने बेटों में सबसे बड़े बेटे को बुलाता है, उसका राज्याभिषेक करता है, और खुद चला जाता है, सन्यासी बन जाता है, प्रपज्ञा ग्रहण करता है, और प्रपज्ञा ग्रहण करते हुए 4 ब्रह्म विहारों की भावना करता है। कितने 4 ब्रह्म विहार, ध्यान साधना कुछ नहीं है, कम से कम 4 ब्रह्म विहार करो काफी है, और उसी 4 ब्रह्म विहार की भावना करते हुए
मरने के बाद ब्रह्मलोक उत्पन्न ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है, और उसी को परंपरा उसी परंपरा को अपनाते हुए उसका बेटा भी वही करता है। जब उसकी भी सर पे एक बाल पक जाता है तो भी क्या हो जाता है, गुरु त्याग कर लेता है। ऐसे करते करे 84,000 राजाओं को दो कम, मतलब 84,000 राजाओं को जब दो राजा कम रहते हैं, इतनी बड़ी इतनी लंबी परंपरा इसी करते हुए आती है कि जब उनके सर का बाल पक जाता है तो वो भी क्या बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। अब जब 84,000 को दो राजा कम हो जाते हैं, तब ये जो मखाज जो सबसे पहला राजा इस परंपरा को शुरू करने वाला, इस पीढ़ी में जो सबसे पहला राजा था जिसने गुरु तय किया था, वो ब्रह्मलोक उत्पन्न होता है। अब ब्रह्मा की आयु सबसे लंबी आयु होती है, कम से कम एक कल्प तक, अच्छे से अच्छे जो सबसे ऊपर का ब्रह्मा होता है कम से कम उसकी एक कल्प तक आयु हो रहती है। इसलिए तो ये जो बुद्ध थे कुंती वाले सिद्धार्थ गौतम, जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो इनको चिवर किसने लाके दिया था पता है आपको? ये सिद्धार्थ गौतम ने जब गृह त्याग किया था तो चिवर किसने लाके दिया था पता है आपको? इसके पूर्व के बुद्ध जो काश्यप बुद्ध थे, उनका जो श्रेष्ठ उपासक था कौन, घटिकार कुमार, वो अनागामी हो गया था। और जो अनागामी हो जाता है वो मरने के बाद ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है, और ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने के कारण उनकी आयु बहुत लंबी होती है, एक कल्प तक उनकी कम से कम आयु होती है। तो उसने इस वाले बुद्ध को भी देखा, तो इस वाले बुद्ध को उसने क्या लाके दिया, चीवर लाके दिया था। तो ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी होती है, तो इसने देखा कि देखा अब ये ब्रह्मा था तो इसके मन में उत्पन्न हुआ कि चलो देख लेते कि मेरी पीढ़ी क्या कर रही है। होता है ना, आपको पता है क्या, पहले के जमाने में कुल देवता की परंपरा थी, पता है आपको कुल देवता लोग, तो ये कुल देवता क्या होते हैं कि हर घर में, वो पहले के समय में अपने अपने घरों के कुल देवता होते थे। तो कुल देवता क्या होते थे कि पूर्व के समय में उनके पीढ़ी में ऐसा कोई मरने के बाद देवता बनता था, तो किसी किसी देवता को इच्छा होती थी कि चलो अपने खानदान को देख लेते हैं, या कोई भूमट्टा देवता रूपकट्टा देवता होने के कारण एक घर में वास करता था, और फिर उस समय के घर के लोग भी देवताओं की उसके लिए कुछ करते थे तो हो जाते थे। तो ऐसी कुल देवता की परंपरा बन गई थी। तो उसी प्रकार जो अनागामी में हो गया था मखादेव, तो उसको इच्छा भी देखते कि मेरी परंपरा जो पीढ़ी मैंने शुरू की थी उसका क्या हाल है। तो उसने देखा कि अभी तक 84,000 जो मेरी पीढ़िया हो चुकी है, इसमें जो राजा हो चुके हैं, उन सभी ने क्या किया, अच्छे से गुरु त्याग किया बाल पकने पर। अब देखते हैं कि अभी 84,000 को दो राजा कम है, और ये जो दूसरा होने वाला है इसके बाद वो परंपरा आगे नहीं टिकने वाली है, ये आखिरी होने वाला है। तो उसको लगता है क्यों ना मैं ही अपनी परंपरा, क्योंकि मैंने परंपरा शुरू की तो क्यों ना मैं इस परंपरा को एक अच्छा विराम दे दूं। तो ऐसा करके ये फिर उत्पन्न होता है उस घर में, और उसका नाम होता है निमि राजा। क्या होता है उसका, निमि। तो उस घर में इसलिए भी उसका नाम निमि रखते हैं क्योंकि जब उसकी भविष्यवाणी निकालते हैं तो भविष्यवाणी पता लगता है कि ये तुम्हारे पीढ़ी का आखिरी वारिस है जो इस उपोषित परंपरा को टिकाए रखने वाला है, इसके बाद तुम्हारी उपोषित परंपरा टिके नहीं रहने वाली है। तो उसके मन में आता है, जिस तरह एक चक्र होता है, एक चक्र में जो बीच में टिम्बा होता है वो सभी आरों को जुड़े रखता है और उस चक्र बराबर चलता है, तो यही भी इसने भी अब तक की हमारी परंपरा जुड़े रखा है, इसलिए भी इसका नाम रखते हैं नेमी। तो इसका नाम पड़ता है नेमी राजा। और नेमी ये बचपन से ही बड़े सुंदर कर्म करता था, किस प्रकार से कि उपोषित धारण करेगा, दान करेगा, शील करेगा, शीलों का क्या करेगा, पालन करेगा, इस प्रकार से बहुत ही उसने अच्छी प्रकार से पुण्य कर्म किया, बचपन से ही थे, बचपन से ही किया। और जब उम्र आई तब राजा बन गया, और राजा बनने का इसने क्या किया, चार नगर द्वारों पे, चार दिशा में चार नगर द्वारों पे चार दानशालाएं खुली, और नगर के बीच में एक दानशाला, दानशाला मतलब जिसमें रोज खाना वगैरह मिलता है, जरूरतमंदों को जरूरत चीजें मिलती है। तो रोज कम से कम कितने ही लाखों का वो क्या करता था, दान करता था, और सिर्फ दान नहीं करता था, दूसरों को धर्म धारण करने के लिए, धर्म पालन करने के लिए क्या करता था, प्रेरणा भी देता था। और उसका खुद का स्वभाव इतना अच्छा था, दान करेगा उपवृत पालन करेगा कि लोग उसे देख के खुद धर्म धारण करना शुरू हुए। तो उसके कार्यकाल में कई सारे लोग क्या हो गए, देवलोक में, तावन सा देवलोक में उत्पन्न हो गए। ऐसे ही दान करते करते क्या हो गया, उसके मन में एक बार प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्या प्रश्न उत्पन्न हुआ कि दान करने का ज्यादा फल है या ब्रह्मचर्या पालन करने का ज्यादा फल है, प्रश्न देखो।
इतना सुंदर प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्या धर्म को लेके हम में से प्रश्न उत्पन्न होते हैं क्या? कि मैं शील पालन कर रहा हूं, मैं समाधि कर रहा हूं, या मैं जो कृत्य कर रहा हूं इससे भी कोई अच्छा कृत्य किया जा सकता है क्या? मैं जो दान कर रहा हूं इससे भी अच्छा कोई दान किया जा सकता है क्या? मैं जो शील पालन कर रहा हूं इससे भी अच्छा शील कोई पालन कर सकते हैं क्या? अपने आप की डेवलपमेंट को लेके सवाल उत्पन्न नहीं होते हैं। नहीं नहीं मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, नहीं नहीं मैं दान कर रहा हूँ, नहीं नहीं मैं शीत, अरे वो नहीं, इस चीज को इससे भी अच्छा किया जा सकता है क्या? भगवान बुद्ध की शिक्षा में हर चीज को तीन भागों में बांटा जाता है, एक हीन, मध्य और प्रणीत, एक नॉर्मल से अच्छा और नॉर्मल से बेस्ट, हाईएस्ट बेस्ट, ये तीन तरह के से देखा जाता है। तो ये प्रश्न देखो निमि के मन में उत्पन्न हो गया, जो धर्म ऑलरेडी धारण कर रहा है, जो धर्म ऑलरेडी पालन कर रहा है, इतना दान कर रहा है, दान का उसे भिन्न सुख प्राप्त हो रहा है, उपोषित का पालन कर रहा है, उपोषित का भी उसे अपना सुख मिल रहा है, रुचि है ना, धर्म में रुचि है, इसने सब कर रहा है, और फिर भी उसके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। इसलिए तो भगवान बुद्ध के शासन को कहा जाता है कि पच्चतं वेदी तब्बो व्युति, कि अरे विद्वानों का शासन है, यहाँ पे हर व्यक्ति विद्वत्ता के साथ प्रज्ञा के साथ धर्म को धारण करता है, पालन करता है, खुद के धर्म को, खुद के धारण किए हुए धर्म में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। इसलिए तो कहता है ना, मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि दान का ज्यादा फल है या ब्रह्मचर्य का ज्यादा फल है। सोचिए दोनों चीजें बड़ी आवश्यक है, बोलो दोनों को आप ये नहीं कर सकते, पर फिर भी प्रश्न उत्पन्न हुआ है, और उसके मन में जैसे ही प्रश्न उत्पन्न होता है, अरे इंद्र का आसन गर्म होता है। मामूली बात नहीं है कि आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा और आसन किसा गर्म हो रहा। अरे ऐसे प्रश्न उत्पन्न करो, ऐसी तीक्ष्ण प्रज्ञा उत्पन्न हो रहा कि इंद्र का आसन भी गर्म हो जाए। इंद्र का जब आसन गर्म होता है तो देखता है कि कौन इतना खतरनाक दान या कौन इतना खतरनाक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि मेरा आसन गर्म हो गया। इंद्र का आसन गर्म हुआ इसका मतलब उसकी कुर्सी खतरे में है, इंद्र का आसन गर्म होना मतलब उसकी कुर्सी खतरे में है, इसका मतलब अभी कोई इसके बाद इंद्र बन सकता है, वो मतलब उससे कोई भारी पुण्य कर्म करने वाला है और उसकी कुर्सी क्या होने वाली है, खतरे में होने वाली है। इसलिए तुरंत देखता है कौन इतना महान पुण्य कर रहा है, ये कौन इतना खतरनाक वितर्क कर रहा है, और तुरंत जाके तुरंत क्या करता है, फिर वो भी उस पुण्य में सहभागी होता है। तो देखता है कि अरे नीमी इतना जो बलशाली, इतना प्रज्ञावान, इतना पारमिता पूरी करने वाला, क्या बोधिसत्व के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ है, ये प्रश्न छोटा नहीं है। तुरंत अपने राजमहल से बाहर निकलता है। सोचो जब इंद्र देवलोक में आ रहा है, अरे चतुर महाराजिक देवलोक के नीचे के देवता लोग अगर मनुष्य लोक में आते तो बड़ी बात नहीं है, इसी घर में आए तो बड़ी बात नहीं है, पर चतुर महाराजिक देवलोक के ऊपर के देवता अगर मनुष्य लोक में आते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर के देवता मनुष्य की दुर्गंध उन्हें पसंद नहीं होती है। इसलिए कई सारे देवता लोग जब आए ना भगवान से मिलने के लिए, भगवान को वंदन किया और खड़े रहे, बैठे नहीं, क्योंकि तुरंत प्रश्न पूछेंगे और तुरंत निकलेंगे, क्योंकि उन्हें मनुष्य की गंध पसंद ही नहीं होती है, मनुष्य की गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए तुरंत देवता लोग आते थे, प्रश्न पूछते थे और निकले थे, बैठते नहीं थे, जबकि खड़े रह के प्रश्न पूछना असभ्य माना जाता है बुद्धिज्म में। एक बार ऐसे में खड़े होकर बंदी से बात कर रहा था और बंदी बैठे थे, झाप दिया नीचे बैठे बोले, तो खड़े रह के प्रश्न पूछना असभ्य, बिना हाथ जोड़े बिल्कुल नहीं, पर वो देवता लोग थे, हाथ जोड़ के भगवान को प्रश्न पूछा और तुरंत निकले थे। तो ये तो तावन के साथ देवलोक के राजा है देवराज शक्र इंद्र, वो सिर्फ एक बोधिसत्व बुद्ध की बात नहीं चल रही है, बोधिसत्व की बात चल रही है। उस बोधिसत्व के मन के सिर्फ प्रश्न क्या उत्पन्न हुआ, उस प्रश्न ने देवराज इंद्र के आसन को इतना व्याकुल कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि नीचे आना पड़ा उन्हें, उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आना पड़ा, मामूली बात नहीं है। और इधर गुरु नहीं आता, इंद्र आ रहे हैं सिर्फ प्रश्नों को सुलझाने के लिए। अरे गुरु ढूंढना पड़ता रहा, पर इंद्र खुद आ रहे हैं, इंद्र अपना एकदम प्रकाशमय करके आते हैं। तब नीमे राजा पूछते कि आप है कौन, कौन है, देव है, मार है, गंधर्व है, या यक्ष है, क्योंकि इतना प्रकाश किसी मनुष्य का तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए क्योंकि इतना प्रकाश गंधर्व का ही हो सकता है, कि गंधर्व सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं गंधर्व, तो गंधर्व हो तुम या मार हो या ब्रह्मा हो, कौन हो तुम? तब कहते कि मैं देवराज शक्र हूँ, दो लोगों का स्वामी, दो लोगों का राजा हूँ। तो कहते कि कैसे आपका ये यहाँ पे आने हुआ, तो कहते कि आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ है। तो कहते हाँ, तो क्या प्रश्न है? तो कहते मैं जानना चाहता हूँ
कि ब्रह्मचर्या का फल ज्यादा है या दान का फल ज्यादा है? तब कहते हैं महाराज ब्रह्मचर्या का फल ही ज्यादा है। क्यों तो ब्रह्मचर्य का फल ज्यादा है महाराज? ऐसे कितने ही ऋषि मुगे गए हैं अतीत में जिन्होंने यज्ञ किया, कर्मकांड किए, बहुत यज्ञ किए, पर फिर भी यज्ञ जैसे कि यज्ञ में हम देखते हैं कि कहा गए नाम बाबा, यज्ञ में जैसे कि महा दुदीप सागर सेल मुचलिंद भागीरथ उसीनार, ये महान महान ऋषियों के गए हैं। इन महान महान ऋषियों ने महान महान राजाओं के गए, इन लोगों ने महान महान यज्ञ किए, उस महान महान यज्ञ में महान महान दान दिया। इतना महान दान देने पर भी वो प्रेतियों को पार नहीं कर पाए, प्रेतियों को लांग नहीं पाए। सोचिए इतने बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी वो प्रेत योनि को लांग नहीं पाया, मनुष्य ने तो बात ही छोड़ दो। इतना महान दान देने पर भी, इतना बड़ा दान देने पर भी वो मनुष्य योनि को लांग नहीं पाया। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। और ब्रह्मचर्य भी तीन तरीके से, अगर ब्रह्मचर्य निम्न स्तर का पालन करते हो, तीन दर्जे का पालन करते हो, नॉर्मल ब्रह्मचर्य पालन करते हो, तो उस नॉर्मल ब्रह्मचर्य पालन करने पर भी अगला जन्म आपको क्षत्रिय जन्म प्राप्त होता है, क्षत्रिय योनि में उत्पन्न होते हो। अगर उसी ब्रह्मचर्य को मध्यम रूप में पालन करते हो, न ज्यादा उच्च न ज्यादा नीच, मध्यम स्तर का प्राप्त करते हो, तो देवता योनि में उत्पन्न होते हो। और अगर उसी ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ इसमें पालन करते हो, तो ब्रह्म लोक में उत्पन्न होते हो, उस ब्रह्मिक सुख को पालन करते हो। इसलिए ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है। दान से तो फिर भी लोगों ने देव योनि को प्राप्त, देव योनि लांग नहीं पाए, प्रेत योनि, तो इसलिए क्या करो ब्रह्मचर्या। अरे महाराज शत सहस्त्र शत शास्त्र इतना है, अर्थात 100 100 हजार से भी 100 हजार गुना ज्यादा फलदायी होता है दान से। इसका फल ब्रह्मचर्य का। इसलिए महाराज ब्रह्मचर्य का क्या कीजिए, पालन कीजिए। इसके अलावा हम देखते हैं अनादि तपसु यम हनु सोमयाग मनोजव समुद्र मात्र भरत और भी ऐसे कई सारे ऋषि हैं जिन लोगों ने क्या किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया और मरने के बाद ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। इसलिए भी महाराज ब्रह्मचर्य क्या कीजिए, पालन कीजिए। अरे महाराज आपको क्या बताऊं कि मैं भी किसी जन्म में राजा था, अपने पूर्व जन्म में राजा होते हुए मेरे राज्य में एक मंत्री था, और उस समय एक सागत नाम की नदी थी, उस नदी के पास 10 सहस्त्र अर्थात 10 हजार क्या करते थे, अहंत लोग वास करते थे। उसी में से कुछ 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 अहंत ऋषि कुछ कुछ अनंत ऋषि पश्चिम में जाके विश्राम करते थे, कुछ कुछ पूरब में, कुछ कुछ जम्बूद्वीप में जाके भिन्न भिन्न फलों फल खाके अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे एक बार एक ऋषि एक अनंत मुनि क्या हुए, एक एक एक, एक, एक मेरे राजमंत्री के यहाँ पे आए, और राजमंत्री के यहाँ पे आके उसमें भिक्षाटन उसके द्वार पे खड़े हुए भिक्षाटन के लिए। तब उस राजमंत्री ने जब उस अनंत मुनि को देखा, उसके चेहरे के हाव भाव देखे, इतना प्रसन्न हुआ, उसने उसको अंदर बुलाया। ये शांत इंद्रिया थे, उसने उनको अंदर बुलाया, उनकी आवभगत की, उनकी सेवा की, और जब लगा कि अब वो विश्वसनीय हो गया, तब मेरे राजमंत्री ने उससे पूछा कि महाराज कि हे अनंत मुनि आप कहाँ वास करते हैं? उन्होंने बताया कि मैं इस स्थान पे उस सागर नाम की नदी के पास वास करता हूँ। क्या आप समान और भी कोई है? तो बताता है कि मेरे समान और 10 हजार क्या मुनि वहां पे वास करते हैं। तो कहता है कि मुझे भी आपके समान मुनि होना है, मुझे भी शांत सुख को प्राप्त होना है, मुझे प्रवोचित कीजिए। तब वो कहते हैं मुनि कि अरे राजमंत्री जी, आप राजमंत्री है, आप ऐसे अपना राजपाट कार्य छोड़ के नहीं आ सकते, पहले आप राजा से अनुमति लीजिए, माता पिता से अनुमति लीजिए, तभी मैं क्या करूंगा आपको प्रवचित करूंगा। वो जाता है अपने राजा के पास और कहता है हे राजन मैं प्रवचित जीवन जीना चाहता हूँ, मैं प्रवचित होना चाहता हूँ, मैंने उसी को देखा है, उस मुनि के मैंने उसको देखा है, मुझे भी वो जीवन जीना है। तब राजा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, पर मुझे वचन दो, मुनि होने के बाद भी तुम मुझसे क्या मिलने के लिए आओगे? इस प्रकार वचन देके अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को अपने माता को अनुमति मांगता है, और अनुमति मांगने के बाद वो उस मुनि के साथ नगर बाहर जाता है, नगर के बाहर जाके वहां पे वास करता है, उसे ध्यान साधना सिखाता है, और कुछ ही दिनों में वो भी क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अनंत हो जाता है। और अनंत हो जाने के बाद फिर वो भी अकेले भिक्षाटन के लिए निकलता है, और तब उसे याद आता है कि मैंने भी किसी को क्या दिया है, वचन दिया है मिलने का राजन को, क्योंकि मुक्त हो गया था, तो राजा से मिलने के लिए जाता है।
और राजन उसे पहचान लेता है। उसकी शांत इंद्रिया देख के उसे अंदर बुलाता है। अंदर बुलाने पर उसे भोजन दान देता है। भोजन दान देने के बाद प्रश्न पूछता है, हे राजन तुम, हे मुनि तुम कहाँ वास करते हो? वो कहता है कि मैं इस स्थान पे वास करता हूँ। क्या तुम अकेले वास करते हो? वो कहता है नहीं, मेरे साथ और 10,000 क्या है मुनि, अनंत मुनि वास करते हैं, वो भी मेरे साथ वास करते हैं। तो कहते हैं, तब राजा कहता है, भाव देखिए कि मुझे उन्हें भोजन दान देना है। ये परंपरा रही है बौद्ध परंपरा कि अनंतों को, भिक्षुओं को, सन्यासी को भोजन दान देने में आनंद मिलता है, सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। वो कहता है कि मुझे उन्हें भोजन दान देना है। वो कहता है कि वो तो अनंत मुनि है, वो आपके इस महल में आने से रहे। तो कहते हैं, पर फिर भी मैं आपको ये अवसर प्रदान करा के रहूंगा। ऐसा एक काम कीजिए, नगर के बाहर उस नदी के पास आप वहां डेरा डालिए और वहां पे आइए। वो ऐसा ही करता है, नगर के पास, नगर के बाहर नदी के पास अपनी चतुरंगी सेना के साथ वहां पे वो डेरा बिछाता है। और वहां पे वो मुनि आता है और मुनि कहता है, महाराज आपने ठीक किया, आप कल भोजन की तैयारी कीजिए, मैं 10,000 मुनियों को लाता हूँ। और दूसरे दिन जब भोजन का समय आ जाता है तो वो मुनि बाकी 10,000 मुनियों कहता है कि महाराज ने आपको वहां पे भोजन के लिए बुलाया है, निमंत्रित किया है। और वो सभी 10,000 मुनि वहां पे भोजन के लिए आते हैं और इतना प्रसन्न होता है कि ऐसे ही और भी 10,000 वर्षों तक वो उन मुनियों क्या करता है, भोजन दान देता है। कितने? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पर कितने? 10,000। हमें सोचिए, एक दिन बराबर भोजन दान देके नहीं होता। अरे भगवान के समय में उपासकों ने लगातार 7-7 दिन तक, 10-10 दिन तक क्या दिया है, भोजन दान दिया, संकल्प किया है। और इस मखादेव ने क्या किया, 10,000 मुनियों को ध्यान में रख के संकल्प कर लिया कि 10,000 मुनि है ना, मैं 10,000 वर्षों तक क्या करूंगा, इनको दान दूंगा। कैसा लोग कैसे होते, अरे भिन्न भिन्न होते, भिन्न भिन्न तरीके संकल्प रखते हैं। हमारे यहाँ पे संकल्प कैसे होते हैं कि हाँ बाबा साहब की 128 जयंती है तो 128 किलो केक काटूंगा, ये क्या संकल्प है, मिथ्या संकल्प। और ऐसा बोलो बाबा साहब को 128वां जन्म ये है ना, तो 128 बच्चों को मैं स्कॉलरशिप दूंगा, ये 128 भंतों को मैं चिवरदान दूंगा, ये 128 भंतों को मैं भोजन दान दूंगा। अरे इस पर संकल्प रखो, 128 किलो केक काटे क्या मिलने वाला है, 5 रुपया केक जाके बिटना केक दुकान में मिल जाएगा, खा लेंगे सब लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। संकल्प तो ऐसे हो, अरे मेरा 18वां जन्म है ना तो मैं 18 भूखों को भोजन दान दूंगा, या किसी एक व्यक्ति को 1800 और किसी एक गरीब बच्चों को 1800 रुपए का स्कॉलरशिप दे दूंगा, ये संकल्प होते हैं, सम्यक संकल्प। ऐसे करना चाहिए जैसे निमि राजा ने किया कि 10,000 अनंत मुनि, तो 10,000 वर्षों तक मैं क्या करूंगा, इनको क्या दूंगा, भोजन दान दूंगा। और इस प्रकार से 10,000 तक क्या दिया, उन्होंने भोजन दान दिया। और उस भोजन दान के प्रताप से क्या हुआ कि भोजन दान किसने दिया, भोजन दान किसने दिया, नेमी ने दिया क्या, राजा जो इंद्र बता रहा है, इंद्र अपनी कहानी बता रहा है किसको, नेमि राजा को, कि मैं भी जब राजा था तब मैंने भी दान किया, तो अपनी कहानी बता रहा है। तो राजन मैंने तब दान दिया था, दान मैंने किसको किया, उन मुनियों को, और उन मुनिया क्या हो गए, उन्होंने ध्यान साधना किया और ध्यान साधना से वो लोग ब्रह्मलोक में, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन किया था, सॉरी एक मिस्टेक होगी, तो अनंत नहीं थे वो सभी, वो लोग अनंत नहीं थे, उन लोगों ने ध्यान साधना की थी, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। तो वो बताते हैं कि जब मैं राजा होते हुए जब मैंने उनको दान दिया, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, तो मेरे दान से वो ब्रह्मचर्य का और अच्छे से पालन कर पाए, और उस पालन करने के बाद वो लोग मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ और मैं मृत्यु के बाद देवलोक में उत्पन्न हुआ। देखो राजन, दान मैंने किया फिर भी क्या हुआ, मैं देवलोक में उत्पन्न हुआ, और दान उन्होंने स्वीकार किया, पर बस फर्क किस कितना था कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और ब्रह्मचर्य का पालन करने से वो काम उत्पन्न हुए ब्रह्मलोक में। याद रखना, देव देवलोक का देव सुख तो अच्छा होता है, पर देवलोक में उत्पन्न होने के बाद वहां से जब मृत्यु होगी तो 90% लोग नरक में उत्पन्न होते हैं, पर ब्रह्मलोक में उत्पन्न जो होते, ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने वाले ब्रह्मलोक जो मरते हैं तो मनुष्य लोक में या देवलोक में उत्पन्न होते हैं, नरक में नहीं होते, क्योंकि देवलोक में इतना सुख होता है कि सारे काम धाम भूल जाते हैं और सुख में लग जाते हैं। अरे देवता लोग के पास इतनी रिद्धि बल होती है कि चाहे तो अपना पूर्व जन्म देख सकते हैं, पर इतना सुख होता है कि देखते ही नहीं वो लोग।
तो कहता है कि देखो राजन, मैंने भी दान किया, पर मैं सिर्फ दो लोग दो लोक में उत्पन्न हुआ, और उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो वो कहाँ पे उत्पन्न हुए? ब्रह्म लोक में। तो इस प्रकार से जब नेमी राजा की शंका का समाधान होता है, नेमी राजा समझ जाता है कि ब्रह्मचर्या से क्या होता है, तो सुख मिलता है, और संतुष्ट होने के बाद देवराज इंद्र भी अपने राजमहल अपने देवलोक तावानसा देवलोक वापस आता है। तावानसा देवलोक वापस जाने के बाद क्या होता है कि सभी देवता लोग पूछते कि राजन आप कहाँ पे गए थे? तब बताते हैं कि नेमी राजा के मन में शंका उत्पन्न होती, उसी शंका का समाधान करने के लिए मैं गया था। तब सभी लोग कहते हैं अरे राजन आपने क्यों नहीं बताया, ये तो नेमी राजा की अनुकंपा है, उन्होंने हमें जो पुण्य कर्म करने जो प्रोत्साहन दिया, उन्हीं के प्रोत्साहन के कारण हम सभी लोग देवलोक में उत्पन्न हुए। हे देवराज इंद्र, हमें उन्हें देखने की इच्छा है कि वो कैसे है। तो और इस प्रकार जब सभी लोग अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, तो देवराज इंद्र को लगता है कि नहीं, नेमी राजा को यहाँ पे बुलाना चाहिए। तब मातली को कहता है कि मातली तुम रथ की तैयारी करो और जाओ नेमी राजा को देवलोक लेके आओ। और नेमी राजा फिर रथ रथ बना के किधर मनुष्य लोग जाता है नेमी राजा को लेने के लिए। बस जब इंद्र जाता है देवलोक वापस, बस इतनी बात करने तक ही इधर मनुष्य लोक में 1 महीना हो जाता है। क्या हो जाता है? सिर्फ इतनी बात कि भाई मिलने गया था, शंका का समाधान करने गया था, बस इतनी देर में क्या हो जाता है, मनुष्य लोक में 1 महीना बीत जाता है। और उस दिन होता है उपोषक का दिन, और फिर जब चांद होता है आसमान में, और जब नेम जब मातली जुड़त रथ लेके आ रहा होता है, जो बाहर निकलता है, तो लोगों को लगता है अरे आज 2 चांद निकले लोग, क्योंकि वो भी रथ के साथ आता है, रथ का भी अपना प्रकाश होता है, देवताओं का रथ रहता है, तो उस रथ का अपना भिन्न प्रकाश होता है। तो लोग जो घर के बाहर खटिया पे लेटे होते हैं और जो आसमान की ओर देख रहे होते चंद्रमा को, वो लोग बोलते अरे आज तो 2 चांद निकले हुए है। और ये 2 चांद निकले होने के कारण फिर जैसे जैसे रथ पास आता है, तब वो समझते नहीं ये चांद तो दिव्य रथ है, ये देवलोक से आया हुआ रथ है। तो सोचते हैं अरे ये देवलोक से रथ किस लिए आया होगा इधर मनुष्य लोक में? तब सभी को समझ जाता है अरे नहीं और किसके लिए होगा, हमारे राजा नेमी के लिए होगा। और जब नेमी राजा के पास रथ आता है, तो मातली कहता है महाराज देवराज शक्र और उनकी सभा ने आपको याद किया है, कृपा करके चलिए। अब क्योंकि इंद्र ने कोई आदेश नहीं दिया था कि किस रास्ते से लेके आना है, इसलिए मातली प्रश्न पूछता है नीमी राजा को कि राजन बताओ आपको किस रास्ते से लेके जाऊं। ये सबसे सुंदर प्रश्न होता है कि राजन बताओ आपको किस रास्ते से ले जाऊं, नरक के रास्ते से लेके जाऊं या स्वर्ग के रास्ते से लेके जाऊं इंद्रलोक, दोनों ही रास्ते से जाया जा सकता है। तब उसके मन में प्रश्न आता नीमी ने कि मैंने दोनों नहीं देखा, तो कहता है कि मुझे दोनों रास्ते से लेके जाओ। तो कहते हैं राजन ये संभव नहीं कि आपको दोनों रास्ते से एक साथ लेके जाऊं। तो कैसा कहते हैं कि आप बताओ कि पहले किस रास्ते से लेके जाओ, दोनों से लेके जाऊंगा बस बताओ कि पहले किस रास्ते से लेके जाओ। तो कहते हैं देवलोक तो जाना ही है, देवलोक तो की निमंत्रण वहां का ही है, तो ऐसा करो मुझे पहले नरक के रास्ते से लेके जाओ। इधर रथ पे बिठाते हैं नेमी को और नरक के रास्ते से लेके जाते हैं। तो अभी शुरू करें नरक का वर्णन, शुरू करें भी नरक का वर्णन, लेकिन उसी शर्त पर करूंगा कि अगर मैं नरक का वर्णन बता रहा हूं तो आप अपने कर्मों को याद करेंगे कि ये कर्म मैंने किया है या तो मजा, क्योंकि जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे मेरे कर्म याद आ रहे थे और नरक का दृश्य सामने दिख रहा था, और तब लगा कि ऐसे कर्म आगे से नहीं करना चाहिए। तो आप याद करेंगे ना खुद के कर्म कि मैंने ये कर्म किया है कि नहीं अतीत में। ओके, तो सबसे पहले जब नरक के रास्ते से हो जाते हैं, तो सबसे पहले पड़ती है वेतरनी, वेतरनी नदी। ये वेतरी नदी का पाली साहित्य में बहुत वर्णन आता है, इतनी खतरनाक नदी है, कई सारे लोग जो बहुत ही प्रमादी होते हैं, कई सारे लोग सहशरीर, बहुत ही कम लोग हैं, कई सारे लोग सहशरीर वेतरनी नदी गए हैं तैरते तैरते प्रमादवश। कुछ लोग हैं ज्यादा कथा वर्णन मिलता है, पर मेरा विषय बच जाएगा और मेरे बाद अय्या जी का भी समय, ज्यादा समय लेता नहीं मैं। तो वेतर नदी, अब वेतर नदी इतनी खतरनाक है, लाल लाल और इतनी गर्म खौलते पानी समान, एकदम खौलता पानी, शोलों का आग का पानी होगा, तो आग का दरिया है डूब के जाना है। तो कौन सा है वो आग का दरिया, कोई बताएंगे मुझे? प्रेम, प्रेम मतलब आसक्ति, तो वैसी वाली वेतर नदी कि पूरा आग का दरिया है। वेतरी नदी मतलब आग का दरिया,
और वो किनारे पे खड़े होते हैं जो नरक में चाकू घोपने वाले लोग होते हैं, भाले घोपने वाले, वो भाले घोप घोप के ठोस टोच के उसको उनको नेत्र नदी में फेंकते हैं, क्योंकि इधर वापस आ नहीं सकते, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, चाकू घोप घोप के कर रहे हैं, तो आगे आ नहीं सकते, तो ये लोग क्या उधर जाते हैं और लगता है कि नहीं पानी में कूद जाएंगे तो इन लोगों से बच जाएंगे, पर पानी में जब कूदते तो पानी भी खतरनाक ही, पानी भी शरीर को जलाता है, फिर लगता है कि नहीं, चलो और गहराई में जाते हैं चाहे ताकि बच जाए, तो जब गहराई में जाते हैं तो गहराई में होते शूल त्रिशूल, वो भी ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, तो वो भी उनके से खोपते जाते हैं पूरे शरीर में, और मरता नहीं नरक में, नरक में मरता नहीं है, शरीर काट के भी अंदर फेंक देंगे ना, तड़पड़ोगे पर मरोगे नहीं जब तक तुम्हारे कर्म समाप्त नहीं होते। एक बार ऐसा एक एक चोर था, उसने बहुत पाप कर्म किया था, उस लगा उसको जब उसने चिवर ले लिया था, पर चिवर ने मन नहीं राम रहा था, तो अपने गुरु को बोलता मैं वापस जाता मेरा नहीं, तब गुरु बोलता तेरे मरने का समय पास है, 2 दिन तो बच्चे चिवर में रह ले तो चला जाएगा, तो बोलते नहीं, मुझे रह के नहीं हो रहा है, तब क्योंकि वो अरहंत पटी संविदा मग प्राप्त अरहंत होता है, अब जो कोई पटी संविदा अरहंत होता है वो देवताओं को भी दिखा सकता है आप लोगों को और नरक भी दिखा सकता है, तो वो क्या करता है अपने नाखून से ऐसी एक आसमान में रेखा बनाता है, वैसे फट जाता है, डायमेंशन बन जाता है, और नरक की आग वहां से लेता है, नरक दिखता है ऐसा नाखून से एक ऐसा फाड़ता है ऐसा आसमान में, और ऐसा अपना नरक दिखता है, वो नरक की आग अपने नाखून पे लेता है और कहता है कि जा रबड़ रबड़ लाबल, रबड़ का तो रबड़ लाता है, और रबड़ जलने में समय लेता है, पहली बात रबड़ जलता ही नहीं आसानी से, और जैसे ही वो नरक की आग डालता है एक क्षण भी नहीं लगता उस रबड़ को जलने के लिए, और देख इतनी खतरनाक है नरक की आग। अरे यहाँ तक ब्रह्म प्रश्न में कहा गया है कि अगर एक बहुत बड़ा शिलालेख इस पृथ्वी समान भी शिलालेख, हिमालय पर्वत समान या सुमेरु पर्वत समान अगर शिलालेख अगर मैं नरक की आग में फेंकता हूं तो एक क्षण भी नहीं लगता उस शिलालेख को राख होने के लिए, इतनी खतरनाक होती है नरक की आग, पर उसमें अगर पापी इंसान को फेंकोगे ना तो मरेगा नहीं, जलता हुआ रहेगा, और तब तक जलता रहेगा जब तक उसके पाप कर्म समाप्त तो नहीं होते, तब तक उसका शरीर मरेगा नहीं, तब तक उस आग में क्या होता रहता है, तड़पते रहता है, मरता नहीं है इंसान। अब कई लोगों को आएगा कि वो भंते ने कैसे क्या उस नरक की आग को उसकी वो क्यों जला, क्योंकि उसका पुण्य, नरक की आग भी पापी इंसान को जलाती है, अगर पुण्यवान इंसान नरक की आग में पड़ा है ना उसको नहीं जला पाएंगे, तो इसलिए तो इतना खतरनाक, तो वेतन नदी में कूद जाते हैं और वेतन नदी में उनके शरीर को पूरा खारा खारा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है जला है, और वेतन नदी पूरा खारे पानी समान होती है, खारा पानी, और वो खारे पानी में उनके पूरे शरीर को सोचिए कितने जलाती होंगी। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट लेना है ना तो घर में जाना सुबह सुबह उठ के अभी, या घर में जाना तवे तो गर्म करना एकदम, सही में अपना के देखो बहुत आवश्यक है, तवे तो को अच्छा गर्म करो और अपनी लो उंगली छोटी सी उंगली लो और उस तवे पर रख दो, सोचो वो छोटो सा आपको सह के नहीं होगा वो नरक में कितना होता होगा। अभी हम लोग जब इधर गए थे कहा टूर में गए थे ना हम लोग, अब टूर में गए थे, अब उस स्तूप में नंगे पैर चलना पड़ता है ना, तो स्तूप में अब जब परिक्रमा कर रहे थे, अभी दोपहर का तपती धूप में अब परिक्रमा कर रहे थे, तो मेरा लड़का भी था, अब इतना खतरनाक वो 2 मिनट चक्की हो रहा था जी, 2 मिनट का 5 सेकंड चक्की हो रहा था, इतनी खतरनाक उसके पैरों की जल रहे थे, और जब मैं उस पर चल रहा था ना मुझे सिर्फ नरक की याद आ रही थी, सिर्फ मन में ये ख्याल आ रहा था कि यहाँ पे 2 सेकंड चल के नहीं हो रहा है, नरक में कितना खतरनाक यातनाएं मिलती है, वहां पे राहत नहीं मिलती 1 सेकंड की, मैं तो भी वो जब वो तपते जमीन पे चल रहा था तो तुरंत पानी के पैर रख रहा था, नहीं तो ग्रास पे दौड़ रहा था, तब मन में ख्याल आया कि बाप रे बाप नरक में तो निरय, पाली साहित्य में क्या बोलते हैं उसे, निरय बोलते हैं, निरय निरय मतलब जहाँ पे राई मात्र का भी सुख नहीं होगा, एक क्षण के लिए भी जहाँ पे आपको आराम नहीं मिले वो था निरय, आपको आराम मिलेगा ही नहीं, वो घोपते ही रहेंगे मारते ही रहेंगे, तो उस नरक में इतना खतरनाक, इधर मार रहे थे वो पानी में कूद रहे थे, और वो पानी में खारा पानी पूरे शरीर को जला रहा होगा, सोचिए अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो काटो अपने थोड़ा सा एक ब्लेड लो काटो और उसपे खारा पानी डाल के देखो, वो तो पूरे शरीर में घाव घाव घूपे थे, और जब नीचे जा रहे हैं ताकि बचे बचे, क्योंकि ऊपर आएंगे तो फिर वो लोग
हले से मार मार के अंदर भिज रहे थे, अंदर जाएंगे तो अंदर भी शूल से घुसते थे उनको, ऐसे ऊपर नीचे होते थे। वो देखा नीमी राजा ने, और नीमी राजा पूछता है कि किस कर्म के कारण ऐसी यातना मिलती है, किस कर्म के कारण। तब नीमी राजा बताते हैं कि जो कोई बलवान व्यक्ति दुर्बल लोगों को सताता है उस कर्म का फल है ये। तो बलवान कैसा, अगर कोई शरीर से बलवान होगा और अपने शरीर के बल पर किसी कमजोर को सताता होगा तो किस नरक में आना है। कोई भोग से अर्थात पैसा ज्यादा होगा और अपने पैसे के बलबूते पे या फिर अपने धन के बलबूते या पावर पॉलिटिशियन होगा या उसकी पहुंच होंगी उसके बलबूते पे किसी को परेशान करता होगा तो उसको यहाँ पे आना पड़ेगा। या फिर प्रज्ञा अपनी कनिंगनेस शकुनी है ना, तो अपनी कनिंगनेस के चलते जैसे देवदत्त या फिर कोकिले ऐसे अपनी प्रज्ञा के बलबूते अपनी कनिंग बुद्धि अपनी चालाक बुद्धि के बलबूते पे किसी को फंसाता होगा, किसी को फंसाता होगा, किसी की बदनामी करता होगा है ना। तो वो व्यक्ति क्या आता है ऐसे, इसलिए अपने पैसों का रोब या अपनी बुद्धिमत्ता का रोब या अपनी ताकत का रोब किसी पे दिखाओ मत, वरना वेतरनी नदी आप सभी का क्या कर रही है इंतजार। तो सोच लो अगर किसी ने पैसों का किसी को रोब दिखाया होगा वगैरह वगैरह या ताकत का, तो वो वेतरनी नदी आपको इंतजार कर ही रही है। फिर आगे जाते हैं, फिर आगे जाने के बाद कुत्तों से, एक बहुत भयावह कुत्ते होते हैं जिनके जबड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो कुत्ते एक क्षण के लिए भी नोच नोच के खाते हैं, ऐसा पटक पटक के देखा होगा किसी नर्क में वीडियो देखना होगा, ऐसा नहीं क्या, ऐसा दांतों से ऐसा घुमा घुमा के उसको खाते हैं जिंदा, और मरता भी नहीं। सोचिए वो मरता भी नहीं, ऐसा कुत्ता नोच नोच के उसका खून निकल निकल के ऐसा हाथ पकड़ फेंकता है, फिर भागता है अपने आधे शरीर से उससे पकड़ता है, उसको इतना भयावह अवस्था में भागता होगा। ऐसे 5 तरह के भिन्न भिन्न वर्ण के कुत्ते रहते हैं वहां पे, बहुत बहुत विशाल होते हैं, बहुत विशाल हाथी से विशाल कुत्ते होते हैं वो, और वहां पे ऐसा खाते हैं। तो श्वेत रंग के, वीत रंग के, कृष्ण रंग के, रक्त रंग के, ऐसे 5 प्रकार भिन्न भिन्न कुत्ते होते हैं, ऐसे नोच नोच के क्या होते खाते हैं। फिर वो पूछता है कि किस कर्म से इस नट में उत्पन्न होते हैं कि कुत्ता नोच नोच के खा रहा है, पटक पटक के खा रहा है, शरीर के तुरंत कर करके खा रहा है। तो बताते हैं कि जो लोग कंजूस होते हैं, कौन होते हैं कंजूस लोग होते हैं, या दूसरों को दान देने से रोकते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे दान मत करो वहां दान मत करो है ना, इस प्रकार के जो कर्म करते हैं वो इस लोक में उत्पन्न होते हैं। अब कंजूस लोग कैसे होते हैं कि प्रॉपर्टी है लाखों की और दान करते हैं 10 रुपए 20 रुपए, तो ये लोग कंजूस होते हैं। जो अपनी क्षमता के अनुसार, इस बुजुर्ग अपनी क्षमता के अनुसार जो दान करता है वही सही मायने में दानी है, और जो कंजूस है वो बिल्कुल भी नहीं। तो उस जो शेष दान करता है तो उस प्रकार से वो कंजूस या दूसरों को जो दान देने से रोकता है वो इस नरक में उत्पन्न होता है। फिर आगे में जाता है, फिर आगे में जाने पर देखता है कि ऐसी जलती जलती हुई शरीर से उस पृथ्वी पर चलता है, वो जल रहा है उसका शरीर। आपको बताऊंगा दुनिया में सबसे खतरनाक दर्द कौन सा है, जलने का, तो उस शरीर पर जलते रहता है। सोचिए सोचिए ना, कल्पना तो कीजिए कि आपको एक साइलेंसर, कभी आपको लगा क्या साइलेंसर, हाँ गरम गरम अगर नहीं होगा तो एक बार लगा लो, लगा के देखो, मैं सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ। कभी पति घर में होगा या कोई भी होगा या गाड़ी होगी, अच्छा मस्त गरम करो साइलेंसर, हाथ की स्किन खराब मत करो, पैरों की स्किन खराब करो, और सर पहला लगाओ पैरों पे लगा लो, अरे इतना फोड़ा आएगा और कम से कम 5-6 दिनों तड़पते रहोगे। वो एक साइलेंसर गर्म आपको नहीं हो रहा, उस नरक में शरीर जलता रहता है आग से, और एक जलती हुई आग का होता है डांड खंबा, उससे रपा रप मारता रहता है, बहुत लंबे से कल्पो कल्पो तक मार खाता रहता है। फिर पूछता है मातली ऐसा कौन सा पाप कर्म है कि इस नरक में उत्पन्न होता है। तब वो बताते हैं कि जो सदाचारी मनुष्य को, जैसे मुझ जैसे लोगों को या भिक्कू जैसे भिक्कुनियों को, जो सदाचारी मनुष्य और स्त्रियों को परेशान करते हैं, उन पे झूठा आरोप लगाते हैं, उनको सताते हैं, ऐसे लोग कहाँ पे होते हैं, इसी जलती हुई शरीर लेके जलते हुए नरक में उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद बोला गया है एक ऐसा भी नरक है, फिर आगे जाते हैं तो अंगारों का गड्ढा, जहां पे अंगारे होते हैं उस गड्ढे में क्या होते हैं पड़े होते हैं, सोचो तो उस नरक में किस कारण से उत्पन्न होते हैं। वो बोलते हैं जो समाज का पैसा इकट्ठा करते हैं ना कि ये बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है, ये करना है, वो करना है, और वो नहीं बनाता था, समाज का पैसा किसी और नाम से इकट्ठा करते हैं और फालतू चीजों में क्या करते हैं खर्च करते हैं,
वो इस नरक में उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद लोहकुंभिक नरक, ये शब्द बहुत बार सुनने में आएगा। लोहकुंभिक नरक कहाँ पे होता है? ये कड़ी होती है, कड़ी जिसमें गरम तेल होता है और तपते रहता है, उसमें उल्टा गर्दन नीचे और पैर नीचे करके क्या करते हैं, लटकाते हैं इस नरक में। तो इस नरक में क्यों? तो इस नरक में वो होते हैं जो श्रमण ब्राह्मणों को परेशान करते हैं, जो श्रमणों को कुछ भी मन में जो आया वो बोल देंगे। अब कई सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि श्रमण ब्राह्मण ही वैसे होते हैं, है ना? पर श्रमण ब्राह्मण अगर वो अभी भी है तो समझ जाओ उसके अपने शील होंगे, भले इस जन्म में कैसा भी होगा, पर अगर उसके है तो उसके अपने क्या होते हैं, कर्म होते हैं। तो जो श्रमण ब्राह्मणों को परेशान करता है वो इस क्या होता है, लोह कुंभिक नरक में उत्पन्न होता है। इसका मुंह नीचे और पैर ऊपर, और कल्पों कल्पों तक क्या होता है, वो उधर डबा होता है उस गर्म खोलते हुए तेल में। अगर आपको उसको टेस्ट करना है कि उसका दुख कैसा होता है, तो कभी गर्म खोलता हुआ तेल अपनी उंगली में डाल के देखना। तो लोह कुंभिक में पूरा उल्टा शरीर क्या होता है वो लोग वहां पे रखते हैं, तो ये होता है लोह कुंभिक। तो ये कौन जाता है इसमें? जो श्रमण ब्राह्मणों को परेशान करता है, कष्ट देता है, या फिर कभी कभार कुछ खा रहा होता है तो उस खाने पर टोक देना। उस दिन मैं मास्टर क्या बताऊँ आपको, इतवारी में साबूदाने के बड़े खा रहा था मैं, एक उपासक ने मेरे को टोक दिया, ऐसा हट हो गया। तो 40 रुपए के बड़े के टोक दिया जी मैं, उसने 40 रुपए के बड़े के लिए, बताओ 40 रुपए के बड़े क्या होते हैं जी, टूट गया मुझे, मेरा मन दुख गया। 40 रुपए तो बड़े थे वो, क्या डॉक्टर बात थी, तो ऐसा मन नहीं दुखाना चाहिए, खाने में बिल्कुल दुखाना चाहिए मन, समझे क्या? तो अभी जो सच है, प्रवचन प्रवचन दे रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, कोई दिल पे ना ले, अब बात प्रवचन प्रवचन है। तो श्रमण ब्राह्मण टोकना ही नहीं चाहिए। ऐसे मुझे एक बात याद है, अच्छे मेरी यहाँ पे किताब रखी थी, अब मेरी किताब उसमें सा शायरी किताब थी, अब शायरी तो शायरी होती है, कविता होती है। उस उपासक ने क्या किया, मेरी किताब को उसे पटक कर रख दिया। एक तो पहले कुछ पढ़ रहा था और मतलब चलो भी समय परिता का हो गया, तो मेरी किताब को उसे ऐसा पटक कर दिया, तो मेरा खून खोला। मैंने बोला ये क्या है, बोला ऐसा रखना पड़ता है क्या? तो उसने मुझे बोला हाँ, तो श्रमण ब्राह्मण ये भंजे बोलो तो पढ़ना चाहिए क्या, बोले शेरो शायरी। अरे बोला शेरो शायरी लेने की अकल चाहिए, तेरे मुझे भी अकल है क्या? तो नहीं बोलता है, बोले क्या बोलना अभी, फिर बोलेंगे भंजे ऐसा वैसा बोलते हैं, पर बड़ा मन दुखा था उस समय, है ना? तो क्या होता है कि हम अपनी समझ के हिसाब से भिक्षु में कैसा भी रिया करेंगे, कैसा भी स्वभाव करेंगे, पर समझना चाहिए अगर कोई कुछ भी किसी को भी कुछ बोलता है तो हर एक के अपने पाप कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, और अगर हम भी कुछ बोलते हैं तो हमारे भी क्या होते हैं, नए कर्म बनते हैं, फिर चाहे वो भिक्षु हो या उपासक हो, दोनों के हर एक को अपने कर्मों के फल भोगना पड़ता है, कोई नहीं बचता। भिक्षु को नरक में जाना पड़ता है और उपासक को भी, जो जैसा कर्म करेगा उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, स्तर का अंतर होता है, स्तर का क्या होता है, अंतर होता है। अगर भारी गेंद फेंकोगे तो जब जमीन पे गिरता है तो उतने ही जम के गिरता है, उतनी जम की आवाज करता है, और पंखुड़ी फेंकोगे तो उतना ही धीरे धीरे आता है। तो उसी प्रकार किस अवस्था से, किस वस्त्र से कैसे कर्म किए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट करता है। कभी कभार कुछ छोटे कर्म जो उपासक करते हैं उनके लिए कुछ बड़े बड़े कर्म होते हैं, उपासक करने पर भी उन्हें नरक नहीं मिलते, और वही कर्म अगर भिक्षु कर दे नरक नरक जाना पड़ता है। और कुछ कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं कि भिक्षु करे तो समस्या नहीं होती है, पर वही कर्म उपासक करे तो नरक जाना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं दोनों के अंदर हो जाता है, पर कोई छोटा सा कर्म भिक्षु कर ले तो नरक नरक जाना पड़ सकता है, और उपासक करे तो कुछ नहीं। और वही अगर कोई वही कर्म अगर उपासक करे तो नरक जाना पड़ सकता है, भिक्षु करे तो कुछ नहीं। तो जीवन बदलता है तो जीवन बदलता है, और कर्मों की भारी और हल्कापन भी क्या होता है, बदलता है। इसलिए कभी कंपेयर नहीं करना भिक्षु जीवन चीवरधारी के जीवन में और उपासक के जीवन में। तो इस प्रकार से ये है। फिर उसके बाद कहें, एक नरक ऐसा होता है जिसमें ऐसा एकदम खून से भरा हुआ वो नरक होता है, और बहुत गर्म खून होता है उसमें। उसमें क्या होता है कि गर्दन मरोड़ के उसमें डाल रखते हैं, गर्दन मरोड़ के। तो क्यों? तो जो कोई पक्षी का धंधा करते हैं ना, पक्षी के पंख काट के वगैरह घर में रख देते हैं, वो लोग अक्सर उस नरक में उत्पन्न होते हैं। मैं हमेशा विरोध करता हूँ कि दो चीजें कभी नहीं पालनी चाहिए, एक पक्षी और दूसरी मच्छी, घर में पालो ही मत, क्योंकि ये दो ऐसे हैं कि खुले आसमान में और खुले पानी में रहने का इनका क्या होता है,
ये होता है, ये दो चीजें कभी नहीं पालनी चाहिए, मैं सख्त विरोधी हूँ। डोमेस्टिक एनिमल्स पालो, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, पर मच्छी और पंछी दोनों मत पालो, क्योंकि इनको कैद में रखना नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग, क्योंकि उनके पर काटने पड़ते हैं, पंछी को रखना है तो आपको, तो ये जो लोग काम कारम करते हैं पैर काट के या ये वगैरह काट के जो जानवरों को अपने घर में रखते हैं, वो इस नरक में उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत सुंदर नदी है नरक में भी, नरक में से तो अच्छा होता नहीं है, पर एक चीज तो अच्छी है, इतनी सुंदर नदी होती है कि वो वहां पे पानी पानी पीने की इच्छा होती है। पर वहां पे जो उत्पन्न होता है नदी के पास, वो लोग इतने प्यासे उत्पन्न होते, इतने प्यासे उत्पन्न होते हैं, वो पानी पीते हैं पर फिर भी उनकी प्यास बुझती नहीं, फिर भी उनकी प्यास और प्यास बढ़ती जाती है, पानी देख के और पानी पीने की इच्छा होती है, पर वो पानी पीने के बाद और प्यास बढ़ जाती है। पानी पीने की इच्छा भी हो रही है, पानी पीते भी है, फिर प्यास बढ़ती है, पानी पीने की इच्छा नहीं है पर फिर पानी देख के फिर पानी पीने की इच्छा होती है, फिर पानी पीते और फिर प्यास बढ़ती है। तो ऐसा वो इतना खतरनाक, दिखने में सुंदर पर इतना खतरनाक, सोचो अगर ऐसा हो तो 2-3 पैसे रह के देखो, पता चल जाएंगे उनकी वेदना कैसी होती है। और इस तो पूछता है नेमी कि क्या पाप कर्म है किस नरक में उत्पन्न होते हैं, तब बताते हैं कि जो लोग घूसखोरी करते हैं, क्या करते हैं, घूसखोरी करते हैं या मिलावटी सामान बेचते हैं, वो लोग क्या होते हैं, इस नरक में उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो भी धंधा करो शुद्ध रूप धंधा करो, वरना इस रोक में, इस नरक में तुम्हारा क्या है, टिकट बुक है ही। तो इतने प्रकार के और कई सारे भिन्न है, एक तो ऐसा था कि बाणों से शरीर घोपते थे आगे पीछे से, बाणों से, तो क्यों, चोरी जो करते हैं या बिना पूछे जो चीजें लेते हैं, बिना पूछे जो भी किसी की चीज लेगा उसको उसी नरक में जाना है, आगे से भी घोपेंगे पीछे से भी घोपते रहेंगे, घोपते एक बार बार घोपते रहेंगे। अगर उसको भी देखना है तो एक सुई लो या स्टेपलर लो, लको अपनी उंगली मारो उंगली पर स्टेपलर, अगर थोड़ा दर्द सहन नहीं हो रहा है तो चाकू है, इतना बड़ा भाला है जो बार बार घोपा जा रहा है आपके शरीर में, सोचो उसका दर्द कितना होगा। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब भी मुझे कोई दुख आता है ना, मैं खुद कंपेयर करता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि हम अभी टूर में गए थे, तो टूर में जब हम वो स्तूप के अद्भुत परिक्रमा कर रहे थे, तो जो पैर 2 सेकंड में इतने खतरनाक जल रहे थे जी, और वो जब उतरे तब भी पैरों के नीचे अंगार हो ही रही थी, तब मन में आया कि बाबा रे बाब, नरक की अग्नि कितनी खतरनाक होंगी। जब कंपेयर करता तब इंसान डरता है। तो फिर तो इस प्रकार से भी नरक है, एक नरक ऐसा जिसमें शरीर के टुकड़े कर करके फेंके जाते हैं फिर भी इंसान मरता नहीं है, तो ऐसा क्यों, तो यही जो मांस मच्छी का धंधा करता है ना, वो इस नरक में जाता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न नरक है। तब इधर इंद्र के मन में शंका थी, इतनी देर क्यों लगी आने में, तब इंद्र देखता है अपनी दिव्य दृष्टि से, अभी इंद्र को 1000 आंखें होती है, तो इंद्र जब अपनी दिव्य देखता है दृष्टि से, तो लगता है अरे माथवी तो अपनी प्रज्ञानुसार नेमी को नर्क दिखा रहा है। तब इसके मन में आता है अरे मनुष्य के इतने पाप कर्म है, कितने भिन्न भिन्न नरक है, कि नरक कम गिर जाएंगे, सॉरी नरक ज्यादा हो जाएंगे, इसकी आयु कम पड़ जाएंगी, पर नरक क्या नहीं होंगे, समाप्त नहीं हो जाएंगे। हाई परंपरा के हिसाब से 137 प्रकार के नरक है, 137, और हर नरक में भिन्न भिन्न प्रकार के दंड, वेराइटी इतनी भिन्न भिन्न वैरायटी, ऐसे सताने के, ऐसे भिन्न भिन्न तरीके के सजा, क्या बताऊं आपको। तो देवराज इंद्र के मन में आता है कि मनुष्य के इतने भिन्न भिन्न पाप है, और भिन्न भिन्न पाप के हिसाब से इतने सारे नरक है कि नेमी राजा की आयु कम पड़ जाएंगी, पर नरकों का क्या होगा, वृत्तांत समाप्त नहीं होगा। तो देवराज इंद्र किसी को भेजता है कि जाओ जाओ जल्दी था उसे बताओ लेके आए, तब मातली भी समझ जाता है कि नहीं इंद्र बोल रहे हैं, तो तुरंत वो कहता है कि महाराज इतने नरक काफी है, बाकी मेरे को दिखा नहीं सकता क्योंकि देवराज इंद्र आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर उसे वो स्वर्ग से उके लेके चलता है, स्वर्ग का ज्यादा वर्णन करूंगा नहीं, सिर्फ एक दो कथा बता के अपना वर्णन, कि वरना स्वर्ग के बारे में बहुत बोला गया है। तो जब स्वर्ग से होते हुए जाते हैं, तो सबसे पहले उसे एक बहुत ही सुंदर विमान दिखता है, जिसके ऊपर पांच पांच तरह के क्या होते हैं, पांच पांच टोक बने होते हैं, बहुत ही सुंदर वो विमान होता है, बहुत सुंदर चमकीला वगैरह, क्या बात, इतनी अद्भुत होते, बहुत सारी स्त्रियां वगैरह। तो ये देवता पूछता है कि इस ये महिला जो इतनी आराम से इस महल में रह रही है, इतने सुंदर विमान में रह रही है, क्या पुण्य कर्म किया था इसने। तो बताता है कि महाराज ये अपने पूर्व जन्म में ये दासी थी, सोचो क्या थी, दासी थी, और जिस घर में ये दासी थी उस घर के मुखिया ने कुसंग को भोजन के लिए आमंत्रित किया था, तो उस घर के मुखिया सबसे बड़ी बेटी के पास गए और
और बड़ी बेटी के बोला, बेटा अपन ने भिक्षु संघ को आमंत्रित किया है, तो क्या उनकी व्यवस्था करेंगे क्या, तू बराबर ठीक कर पाएंगी? तो बोलती नहीं 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 ये भिक्षु लोग क्या शटी होते हैं, मायावी होते हैं, ठगी होते हैं, अरे बड़े चैप्टर होते हैं भिक्षु लोग, मुझे नहीं करना इनकी सेवा। बोलती नहीं करना। फिर दूसरी बेटी के पास आते हैं, दूसरी बेटी बोलते नहीं नहीं इन ठगी लोगों की मुझे सेवा नहीं करनी, छोड़ो। और फिर दासी बोलती है कि माँ देवी मैं ही कर लूंगी, मुझे आनंद हो जाएगा, मुझे करने दो। तो ये दासी उसका कुछ भी ना खाना रहता है, ना घर रहता है, ना पान रहता है, वो बस क्या करती है उन भिक्षुओं के अच्छे प्रकार से व्यवस्था करती है जी। सिर्फ क्या करती है उनकी अच्छे ना, वो देखती है कौन सा छोटा भिक्षु है, बड़ा भिक्षु है, कैसा भिक्षु है, बस उस भिक्षु की अच्छे से बैठने की व्यवस्था करती है, जो खाना बनाया है उस खाना को अच्छे से परोसती है, इतना काम करती है। और इतने काम से उसे क्या मिलता है, ये देवलोक मिल जाता है। और भी ऐसे कई सारे पुण्य है, एक को तो सात, एक ऐसा देव था जिसके सात सात विमान थे, सात सात महल। वो पूछता है कि इसको क्यों सात महल मिले, सुंदर सुंदर सात महल। तो बताते हैं कि इसने अपने पूर्व जन्म में 60 कुटिया बांध के लिया था। कितने कुटिया, सिर्फ सात। और कितनी कुटिया होती है भिक्षु की, छोटी कुटिया होती है, बस 7 कुटिया बांध के दिया, इतना लंबा आयुष्य देवलोक में मिला और सात सात विमान मिल गए। ऐसे कितने ही पुण्य है जी, क्या बताओ, कि भिक्षु को सिर्फ बैठने के लिए आसन देना, सिर्फ पानी देना, ये भी बड़ा पुण्य है। सिर्फ भिक्षु को बिना ये मत विचार होगा कि सामने वाला भिक्षु कैसा है, भिक्षु ने कैसा है, आप बस पुण्य करो तो आपका पुण्य अपने आप देवलोक में सुगति होंगी। तो इस प्रकार पुण्य करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो ही आपको सुगति होंगी। इस प्रकार से देवलोक भी उसे बहुत दिखाते हैं, और देवलोक में दुखाने के बाद फिर सुधर्मा सभा, नाम सुना है सुधर्मा, सुना है नाम? अगर सुधर्मा नाम नहीं सुना तो अपने प्रवचन नहीं सुने, इसका मतलब अच्छे वाले। सुधर्मा वो सभा है, तावन दिशा देवलोक का एक भवन है, जहाँ पे सभी देवताओं की सभा बैठती है। किस दिन, उपोषद के दिन, पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं की सभा बैठती है सुधर्मा हॉल में, हॉल का नाम है, और जहाँ पे कभी कभार ब्रह्मा भी प्रकट होते हैं। और उस दिन चर्चा होती है कि मनुष्य की तावन तीसा देवलोक एकमात्र, सभी देवलोकों में, ब्रह्म लोकों में एकमात्र देवलोक है जो मनुष्य के हित के बारे में सोचते हैं। हर पूर्णिमा के दिन लोग बैठते हैं, और मनुष्य लोग कैसे उत्थान हो, कैसे कल्याण, उस पर चर्चा करते हैं। इसलिए भी कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या करो, कम से कम उपोषण धारण करो, उनके नजरों में दिखोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए उस दिन क्या करना पड़ता है, उपोषण लोग चर्चा करते हैं कि कौन था वो मनुष्य धर्म का पालन कर रहा है, फिर उसकी सहायता करते हैं वो लोग। और हर भंते के, मोस्ट ऑफ भंते लोगों के अपने देवता होते हैं, अपने रक्षक होते हैं, भंते लोगों के तो होना ही है, ऐसा नहीं था कि भंते लोगों के ना हो, इसलिए उनकी उनपे तो अनुकंपा बनी होती है, इसलिए भंडरों से पंगन लेना। मुझे आज भी याद है हमारे इसके सर अपने अपने गुरु के अलग अलग भिन्न किस्से हैं। धम्म सेवक भंते जी, मैंने कई बार बताया उन्हें किस्सा, धम्म सेवक भंते जी मुड़ावा के हैं, और बहुत पुराने भंते, बहुत पुराने, और बड़े उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। उनके प्रवचन तो मेरे बड़े पाप कर्म होंगे कि जब मैं उनकी सेवा में गया तब उनका मौन शुरू था, उनके आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो उस समय उनका मौन था। भंते खेम नमो जी गुरु है वो, उनकी परंपरा से बड़े बड़े भिक्षु लोग निकले हैं, सदानंद सत्यशील वगैरह, ये सब के गुरु रह चुके हैं धम्म सेवक भंते जी, और गांव में अच्छा काम किए। भंते गुणानंद जी बचपन में जिनके विहार में रहे वो धम्म सेवक भंते जी, जो सबसे जिनका जुड़ने दिना पहला प्रवचन वो बचपन में उनके विहार में रहे, इतने शीलवान थे। ऐसा कहते हैं कि जब वो एक बार रोज जंगलों में जाते थे लोटा लेके मुंह धोने के लिए, तो एक बार लोटा भूल गए थे बोलते, तो ऐसा कहते हैं कि उनके उनके मुंह पे देवताओं ने जल की वर्षा की, धम्म सेवक। आज भी उनके गुरु आदर करते, आज भी उनके शिष्य है बहुत रिस्पेक्ट करते। बंदे खेम दम्मो जो खुद प्रवचन में बहुत अच्छे हैं, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, बंदे खेम दम्मो जो खुद प्रवचन में अच्छे हैं, एक बार जब बना था तो उनको एक एक पेपर के लिए आर्टिकल लिखना था, तो अपने गुरु के मैगजीन उन्होंने जमा कर रखे। आपको यकीन होगा उनके गुरु के मैगजीन उन्होंने जमा कर रखे, वो मैगजीन पढ़ रहे थे और वहां से पॉइंट निकाल निकाल के वो आर्टिकल लिख रहे थे। ऐसे बनते धम्म से, उनका भी सानिध्य मुझे मिला है, सौभाग्य है मुझे, मुझे मुझे बहुत ज्यादा सौभाग्य कि मुझे अच्छे अच्छे गुरु का सानिध्य मिला है, तो वो भी एक है। ऐसे भी कई जगहों पे हमने देखा है। अरे हमारा तो अभी हम जब इधर से आ रहे थे, कहाँ से, मेरे ख्याल से कहाँ पे गए थे जी, बीच में हम औरंगाबाद की तरफ कहीं तो भी, हाँ बुलढाणा गए थे। बुलढाणा में एक बस है जो हमेशा टाइम से जाती है, मैं 1.5 घंटा लेट था, देखना लेट था, और मेरी आज तक, मैंने बोला है कि आज तक मेरी कभी कोई बस और कभी कोई ट्रेन मोस्टली छुट्टी नहीं है, मोस्टली मैंने कहा कि नहीं छूटेंगे, याद रखना। 1.5 घंटा लेट होने पर भी वो बस आगे थी और हमारी कार में क्या थी, पीछे थी। तो हर भंते लोग के अपने कुल देवता, अपने सम्यक देवता जो उनकी रक्षा करते हैं। आप देखिए मोस्ट ऑफ भंते लोगों के जीवन में
आपत्ति विपत्ति नहीं, तो अपने आप संभल जाती है कि उनके कर्म होते हैं, तो इसलिए भिक्षु लोगों से कभी पंगा ले, पंगा नहीं मतलब उनसे नहीं आर्गुमेंट करना चाहिए, उनसे नहीं जिद करना चाहिए, क्योंकि उनके अपने पुण्य कर्म होते हैं। इसे तो लोग चिवर में है ना, चिवर संसार और संन्यास दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कितना भी कुछ करो उनका अपना बल होता है, प्रताप होता है, क्योंकि चिवर संभालने के लिए ही बल चाहिए जी। चिवर संभालने के लिए ही क्या चाहिए, बल चाहिए, बिना बल के चिवर नहीं संभलता। मंत्री गुहानंद जी जब चिवर ले रहे, जब उन्होंने उनके मोनेस्ट्री में जब चिवर दे रहे थे, तो 20 लोगों का चिवर की तैयारी हुई थी, और आखिर में कितने लोग ले पाए, 4 लोग। इतना आसान नहीं होता है। कई सारे हमारे गुरु की जब कथा सुनते हैं हम लोग, तो पता लगेगा आपको कितना हार्ड है। तो इसी प्रकार से ये जीवन है, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर विश्व समान अगर बलवान होना है बिना चिवर के, अगर विश्व समान बलवान होना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। सिर्फ वही इंसान भिक्खुओं को टक्कर दे सकता है, पर वो भी टक्कर भी नहीं बोल सकते, पर हाँ उसका इतना थोड़ा प्रताप है जो ब्रह्मचर्य का, फिर भी भिक्खु उसे श्रेष्ठ होता है ना। तो ब्रह्मचर्य को क्या दो, अपने जीवन में स्थान दो, और कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो अष्टमी अमावस्या और पूर्णिमा को दो भी। चलो अष्टम दिन तो कम से कम अमावस्या पूर्णिमा, अरे अमावस्या तो कम से कम पूर्णिमा को तो भी क्या दो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो इस प्रकार से मेरी ये कथा थी, अभी अय्या जी की रहेंगी कथा और अय्या जी की लास्ट कथा है, फिर उसके बाद आप लोगों को सबको क्या मिलेंगे, छुट्टी मिलेंगे। और आपको बता दूं कि 8:30 बजे प्रभात फेरी होंगी, सामने लोग रहेंगे, उनको आप सूखी चारिका दे सकते, पका हुआ खाना नहीं, सूखी, जैसे चिप्स बिस्किट वगैरह ऐसा कुछ ये नहीं, तो कम से कम 30 से 35 बनते लोग रहेंगे, वो 8:30 बजे उनकी निकलेंगी, फिर यहाँ पे आएंगी, फिर उनका भोजन दान होगा। भोजन किसी को भी बाहर से लाना अलाउड नहीं है, क्योंकि भाई बनते हैं बिल्कुल भी बच्चे वरना खाना नहीं खा पाएंगे, किसी को भी अलाउड लाना नहीं है। बस हाँ किसी को लाना है पैसे ला सकता है, झोली मेरी खुली है, हम बराबर दे देंगे जिसको देना है तो। फॉर मनी आई एम ऑलवेज रेडी, जस्ट मजाक कर रहा हूँ। तो क्रिपर, क्योंकि भोजन लाएंगे तो बहुत चिंगड़ हो जाएंगी, थाई मंग से उनका ट्रेडिशन थोड़ा अलग होता है, थाई मंग का ट्रेडिशन बहुत अलग होता है, वजह उनको ये हो जाएगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान में रखिएगा आप। तो मेरा प्रवचन मैं यही पे समाप्त करता हूँ। ऐसी होती है नीमी जातक, राजा को बुलाया जाता है, और एक बात बताना भूल गया, राजा जब सुधर्मा सभा में एंट्री लेता है, सुधर्मा सभा में एंट्री लेने के बाद एंड के बाद क्या कहता है, देवराज इंद्र कहता है कि आप इधर ही रहिए, इधर ही क्या कीजिए, ये भोग विलास भोगिए। तब पता है क्या कहता है निमी, निमी कहता है कि किसी और के पुण्य पे अगर मैं भोग विलास भोगूंगा, तो भिखारी को दीवी भीख समाने बोले मेरे लिए, जैसे भिखारी को भीख मिलती है किसी और कमाई के आधार पर, मेरे लिए किसी और के पुण्य पे मैं सुख भोगू, मुझे नहीं चाहिए, ये आपका पुण्य आप भोगिए, मैं जाऊंगा मनुष्य लोक में वापस और अपना पुण्य कमाऊंगा और अपने पुण्य कर्म से देवलोक में उत्पन्न होऊंगा। तो देखिए पुण्य कर्म के प्रति क्या बात बोली है। इसी प्रकार से किसी और के पुण्य के बलबूते पे सुख मत भोगो, भोगना है तो अपने पुण्य कर्म इतने बनाओ कि मैं वो सुख भोग पाऊं। तो इस प्रकार पुण्य कर्म की लालसा करो, और सबसे उत्तम पुण्य कर्म कौन सा है बताओ आप लोग। चिवरदान और हाँ और कौन सा है, हाँ भिक्कू संघ को दान, भिक्कू संघ में आप कुछ भी दान, संघ को दान श्रेष्ठ होता है, ये दो ही दान में सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ, और मैं यही दो दान हमेशा, मैं मुझे लगता है जहां भिक्कू संघ नहीं वहां कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जहाँ भिक्कू संघ नहीं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भिक्कू संघ बिहार में आता है, और आज मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि भिक्कुनी संघ इतने सुंदर तरीके से बैठा, अगर आप देख रहे होंगे तब से, अगर आपका ध्यान होगा, इतने सुंदर तरीके से भिक्कुनी संघ बैठा, इतने ध्यान से सुन रहा है, मन ऐसा गदगदा गया, मन इतना प्रसन्न है कि इतने अच्छे तरीके से भिक्कुनी संघ को देखना। भिक्कुनी संघ की व्यवस्था आज नहीं है इंडिया में, वैसे आप सभी लोग भिक्कुनी संघ को सपोर्ट कीजिए, भिक्कुनी संघ को आगे बढ़ाइए, उनके लिए कुछ कीजिए करना है तो, क्योंकि मेरा उसी की मेरा दो ही काम करना है मुझे, एक तो अच्छी परंपरा निर्माण करनी है और दूसरे भिक्कुनी संघ को अच्छा कार्य करना है, हम चाहते हैं कि भिक्कुनी संघ अच्छा निर्माण हो। और इतना आनंद हुआ आप सभी को देख के, इतने शांत तरीके से आप लोग एकाग्र चित्त होकर धर्म सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। इसी प्रकार से पुण्य कर्म करते रहिए, इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु। तो क्या मुझे एनवलप मिलेगा कि मैं सोचा बुढ़ जाऊं।
तो इतना आज के लिए काफी है। 5 मिनट का आपको रेस्ट है और फिर आर्या जी का धम्मा देसना है, फिर ये खत्म हो जाएगा। अब तक टिके, अब और टिक जाओ तो आपका वीर्य बढ़ेगा, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। फिर जैसे आर्या जी का होगा फिर अभिषेक का, बुद्धाभिषेक शुरू हो जाएगा, सब आप लोग फिर बुद्धाभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरा होने के बाद आपको संकल्प करना, तो क्योंकि वैशाख उत्सव है, इस प्रकार वैशाख उत्सव हम समाप्त करेंगे हमारा। धम्म आर्या जी की धम्म देशता होने के बाद बुद्धाभिषेक आप संकल्प कर सकते हैं या आनंद मना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुद्ध के समय तो किया नहीं, अभी चरणों में है कि नहीं। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।